तो बात कुछ ये है कि हम लोगों को अभी जाना है रावलपिंडी, और हमारे पास जहाँ पे गाड़ी नहीं है तो हम लोग टैक्सी ढूंढने के लिए आ चुके हैं। हम लोग नहीं, मैं अकेला आ चुका हूँ, तो हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा टैक्सी लेने के लिए। यहाँ पे मिला तो ठीक, जिस रोड में मैं हूँ, अगर नहीं मिला तो हम लोग वहाँ पे जाके अपने लिए एक टैक्सी ढूंढ लेंगे और फिर हमको मतलब यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ख्वारी के बाद मैं आ चुका हूँ रोड पे, मेन रोड पे। अभी यहाँ पे कुछ गाड़ी दिख नहीं रही, यहाँ पे देखो सुपरा लाइट, आँख सुपरे जैसी बनी है, बाकी अलग ही है। तो यहाँ पे टैक्सी देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो वापस घर जाके इन ड्राइव ही मैं ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारा घर जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है कॉलोनी से और जगहों से, तो इसीलिए हम लोग को मतलब इन ड्राइव नहीं मिलता है। तो टैक्सी लोकल में ही देख रहे हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा। टैक्सी 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 आ गया, टैक्सी तो यहाँ पे आया था लेकिन हमको मिल नहीं गया। बोले तो हमने पूछा तो वो बोले नहीं, लोकेशन पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब घर की तरफ जाएंगे, वहाँ से ही कुछ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग को टैक्सी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ और घर में जाके ही देखते हैं इंटरव्यू मिल रहा है, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। अब हमको इतनी दूर जाना पड़ेगा, घर देखो बहुत ही ज़्यादा दूर है हमारे से। अभी मैंने गाड़ी की गियर जो है बदली तो चेंज निकल गया, क्या बताएं यार, अब इसको लगाना पड़ेगा फिर से। अभी टैक्सी तो मिलने से रही, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ मैं, क्या बताऊँ, अभी भी काफ़ी और चलना पड़ेगा। चेंज तो मैंने इसमें लगा दिया था लेकिन फिर भी काम सही से नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अब घर में जाके आंटी लोगों को बोलते हैं, वो कुछ कर लेंगे, अगर आज हमें जाना हुआ मतलब जा सके तो ठीक, नहीं तो कल जाएंगे, क्योंकि मेरा ये सीन है कि ट्यूशन होता है यहाँ पे, तो ट्यूशन की वजह से छुट्टी नहीं मिलती, तो कल और परसों हमें छुट्टी मिल चुकी है, क्योंकि कल हफ्ता है और उसके बाद इतवार है, इसीलिए हम लोग जाएंगे आज। और साथ ही में मैंने स्टोरी टेलिंग वाले भी वो वाली भी उन वाले भी ब्लॉगों के बारे में सोचा है, तो वो भी हम लोग करेंगे साथ ही में। तो जिस स्टोरी से इनके बारे में बात कर रहा था वो कुछ यूँ था कि हम लोग इसके बाद वो वाले ब्लॉग्स भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए मतलब कुछ बनता नहीं है डेली ब्लॉग्स के लिए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना स्टोरी टेलिंग ब्लॉग भी बनाया जाए, या किसी हद इमारत पर या कहीं पर जाऊँगा तो मैं इसी तरीके से ब्लॉग बनाऊँगा। यहाँ पर नहीं हो सकता है मुझसे, क्योंकि बस देखो ये व्यू, ये मेरा कमरा, यहाँ पर मैं रहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ होता है नहीं है। बोले तो घूमना फिरना, ट्यूशन करता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पर आंटी मतलब घर वालों के साथ रहता हूँ, फिर यही हमारा काम होता है, तो इसीलिए हम लोग डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों क्यों ना हम स्टोरी टेलिंग भी कर ले सकते, क्योंकि उसमें भी अच्छा है, मुझे पसंद है, मैं पहले करता था, तो हम लोग उसमें भी थोड़ा सीखेंगे और अच्छी तरीके से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री भी कुछ बनाएंगे बाद में जब हम प्रोफेशनल हो जाएंगे इस काम में, तो फिर उसके लिए थोड़े थोड़े करके हम लोग सीख भी लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा भी कर लूँ। बात ट्राई किया था वो माई कैमरा का, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो देखो क्या कर रहे हो। तो किसी बड़ी इमारत बोले तो शाह फैसल मस्जिद जाएंगे तब हम लोग बनाएंगे, या वो क्या बोल देते हैं कुछ था इधर इस्लामाबाद में, उधर जाएंगे तो बनाएंगे। और अभी बाल बनाए थे क्योंकि इस चेहरे के साथ तो वहाँ पे नहीं जा सकते, कहीं पे जा रहे हो तो थोड़ा तैयार होना पड़ता है थोड़ा बस, तो बाल बनाएंगे और कुछ नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है क्योंकि घर वहाँ पे लोग भी अपने ही हैं, तो उनके साथ क्यों मतलब ऐसे हो के मिलना। बोले तो थोड़ा अलग बोले स्टाइलिश बन के, हम सादे से लोग हैं तो सादा बन के जाएंगे। तो अभी बाल बनाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। हम लोग जा रहे हैं, अभी आने वाला है हमारी दादी, आज ब्लॉग करेगी करोगी तो बस दादी आज हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करेगा। तो अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, आंटी लोग सारे तैयार हो चुके हैं, शवाली ये अभी रेडी हो चुके हैं, तो अभी ब्रेक लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फाइनली आ चुके हैं अपने घर, बोले तो जगह पे पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से अंदर जाते हैं और फिर लोग को देखते हैं क्या करते हैं। आधे मुझे रिश्तेदार मिल गए थे इसीलिए मैंने इससे पहले वाले क्लिप में कुछ भी बोला और लोग को ख़त्म किया। तो अभी आ चुके हैं घर, दादी आगे जा रही है क्योंकि लिफ्ट जो है एक फ्लोर में हमारे थे इसलिए लिफ्ट में सही से नहीं आ पाए। ये देखो लिफ्ट गया है ऊपर, तो हम लोग एक फ्लोर आ रहे थे तो इसीलिए हम लोगों ने सीढ़ी यूज़ की। तो कोई बात नहीं, आ चुके हैं फाइनली, तो घर जाते हैं, सलमान भाई से मिलते हैं और फिर बैठते हैं। तो अभी घर में तो हम लोग थे, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे घर, बोले तो आंटी के घर,
कभी रिक्शा ढूंढते हैं, मिला तो ठीक, नहीं तो कुछ कर लेंगे। यहाँ पे वैसे रिक्शा है, आ रहा है हमारी तरफ ही, आ रहा है हमारी तरफ ही, आ गया। लो रिक्शा आ गया। मसला दादी के लिए जो कि ऊपर नहीं चढ़ सकते, अभी शाली यहाँ पे बैठेगा तो मैं, चलो हम लोग सामने ही बैठते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ओ भाई जाना, अब चलो। तो अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा रात हो गया है, मैं अभी तक एडिट कर रहा था। तो बस आज का हमारा ब्लॉग यहाँ तक, कितना पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बटन डिसलाइक भी कर सकते हैं, अंग नहीं खुल जाए मेरा यार। ये डेली ब्लॉग का हिस्सा है, कल भी एक ऐसा ब्लॉग आएगा, परसों भी, और उसके बाद स्टोरी वाले ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है? तो उनके लिए भी तैयार है ना, आग नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, बाय।